गौरों से, अपने के गौरों से, रेणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कैथल में आज किसानों ने चित्रमोड़ बाईपास पर जाम लगाया और आंदोलनकारी पंजाब के किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना था कि यह केवल सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, अगर सरकार पंजाब बॉर्डर पर किसानों के साथ अत्याचार बंद नहीं करेगी तो और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसानों का कहना था कि सरकार किसानों की मांगे न मानकर उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा अराजकता फैलाकर प्रदेश का माहौल खराब करने की है। अपनी मांग के लिए दिल्ली कूच कर रहे किसानों को शंभू व खनौरी पातड़ा बॉर्डर पर रोककर उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना गलत व निंदनीय है, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों की सभी मांगे जायज है और सरकार जल्द से जल्द इन्हें माने। जाम इसलिए लगाया क्योंकि 16 जो 13 की कॉल थी, हमारे किसान साथी पंजाब से आए हैं और 16 की कॉल संयुक्त मोर्चा की थी, इसलिए और जो हमारे किसान साथी पंजाब वाले भाइयों के सर के लिए दूध लस्सी लेकर जाते हैं, उनको रास्ता में पकड़ते हैं और वहाँ तो जो उसके आसपास है, दनौरी है, बरटा है और नेपेवाड़ा और जियाना, वहाँ सारे सील कर रखे हैं। अपने किसान साथियों का भी साथ दे सकते हैं हम, इसीलिए आज ये लगाया। आज तो ये 4 का, अगर सरकार ऐसे गलत काम करेगी हमारे किसानों को रास्ता में रहेगी तो परमानेंट भी हो सकता है। माड़ी सरकार दिया माड़िया नीतियां ने इन्हों की जो कलम है वो माड़े कानून लिख दिए, किसानों के बरखिलाफ विरोध कानून लिख दिए। शहर ने कहा खुदा करे इस कलम को छाही ना मिले, खुदा करे इस कलम को छाही ना मिले, जो जुल्म को लिखती है वफा ना दे। ये माड़ी सरकार है, माड़ियाँ नीतियाँ ने, असं अपने हक लैके पिछा मुड़ा। जाम अस सरकार की भैड़ी सोच, भैड़ी नीति, भैड़े लक्षण, भैड़े काम। लोकतंत्र देश नहीं, लोकतंत्र देश में हर कोई हक है जीवन का, प्रोटेस्ट कर, रैली कर, कोई भी सरकार तो मंग मंग सकता है, लेकिन साढ़े उत्ते पत्थरबाजी फेंक, गोले फेंक, वेखो अथरू गैस फेंक, रबड़ दिया गोलियां फेंक, साढ़े 80-80 साल के बजुर्ग फटड़ कर दिते, साढ़े वेखो रात ठंड में रह के परमात्मा ना लैके सड़कों के लंबे पाए हुए हैं। आप जिन्ना मर्जी लंबा चले लेकिन असी पिछा नहीं मुड़ांगे, असी अगे ही बढ़ते जाएंगे। MSP जो भी किसानों की मंगा ने, जो भी बिजली हर सारी मंगा मनवा के जाएंगे, वापस नहीं मुड़ांगे। रोड जाम तो ऐसा है कि नाम संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था कि 16 तारीख को भारत बंद है, तो आज भारत बंद है और किसान 13 तारीख की कॉल थी दिल्ली जाएंगे। MSP आंदोलन है, स्वामीनाथन रिपोर्ट है, कर्जा माफ़ी है और अन्य 12 मांगे हैं। आप देख सकते हैं खनौरी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे और जहां भी किसान बैठे हैं, सरकार प्रशासन पूरा तानाशाही कर रही है। दगा दब आंसू गैस के गोले दाग रही है, प्लास्टिक की गोलियाँ मारी है और वहाँ बम मारी है और लोगों को तानाशाही कर रही है, हमारे को मारने का, दबाने का। बता दें कि पंजाब से किसान जत्थेबंदियां 13 फरवरी को दिल्ली कूच के लिए निकली थीं, लेकिन उन्हें पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। इस बीच अब हरियाणा के किसान भी पंजाब के आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़े होने लगे हैं और उनकी मांगों को जायज बताते हुए आज प्रदेश भर में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं भाकियू चढ़ूनी ग्रुप की कॉल पर प्रदेश भर में 3 के लिए टोल प्लाजा भी फ्री करवाए गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।